अस्सलाम वालेकुम, खुशांतेद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासर। नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुख्तलिफ मामलात और मसाइल के हवाले से गुफ्तगू की जाती है और अवामी मामलात और मसाइल प्रोग्राम में अमूमन ज़ेर बहस आते हैं, और आज के दिन भी कोशिश करेंगे इसी तरह के मामलात प्रोग्राम में ज़ेर बहस लाए जाएँ। साथ साथ आपके जो सवालात हमें मौसूल हो रहे हैं बज़रिया सोशल मीडिया, उसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे। बहुत सारे ऐसे समाजी मामलात और मसाइल की भी निशानदेही की जा रही है, यह हमेशा से की जाती रही है जब से इस प्रोग्राम का सिलसिला शुरू हुआ है। हमने कोशिश यही की कि जो समाजी मामलात और मसाइल हैं उसको भी प्रोग्राम में ज़ेर बहस लाया जाए। अब इसमें बहुत बहुत सारे मामलात हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं, मामलात हैं जिसके ऊपर अमूमन प्रोग्राम्स में बात करने का मौका कम मिलता है। तो फहरिस्त बड़ी तवील है, आगे मौका मिलेगा तो उसके ऊपर ज़रूर आज प्रोग्राम में गुफ्तगू की जाएगी। तमाम इस वक्त मौशी मामलात जो हैं उसके ऊपर बात करना वक्त की ज़रूरत है, तो कोशिश कर रहे हैं इस हवाले से प्रोग्राम्स में गुफ्तगू करें। पिछले कई प्रोग्राम्स ऐसे रहे जिसमें मुल्क की सियासी सूरत हाल और उसके साथ साथ मौशी सूरत हाल के हवाले से गुफ्तगू की, तो थोड़ा वो भी ज़रूरी है सुबह के वक्त क्या कुछ हो रहा है। हालात हाजरा से आगाह रहना और आपको रखना दोनों ज़रूरी है, तो कोशिश करेंगे इसके ऊपर गुफ्तगू करें। मौजूद मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाएं, उन्हें खुश आमदीद कहूँगा और उसके बाद गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाऊँगा। मौजूद मेहमान सैयद रोशन अली वारसी साहब, जो कि CEO हैं यूनिवर्सल एस्टेट एंड डेवलपर DHA कराची के, जो कि एक तजियाकार की हैसियत से यहाँ पर हम उन्हें मदू करते हैं, मुख्तलिफ मामलात पर गुफ्तगू करते हैं उनसे। आज एक दफ़ा फिर उनको हमने मदू कर रखा है, उन्हें मैं खुश आमदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपकी प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। अच्छा रोशन साहब, पहले मौजू की तरफ आने से कबल जो मौशी सूरत हाल है उसके हवाले से पहले थोड़ी सी गुफ्तगू कर लेते हैं कि पहले के मुकाबले में जो गैर यकीनी की सूरत हाल है काफ़ी हद तक कम हो चुकी है, जो बल्कि बड़ी खुशाइन बात है। और जिस तरह से कुछ अर्से कबल ये बात हो रही थी कि मामलात हाथ से निकल गए हैं या शायद मईशत जो है वो हमारी बैठ चुकी है, अब वो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें अब ज़ायल होना शुरू हो गई हैं। इसके साथ साथ मैं चाहूँगा ज़रा तज़िया किया जाए कि जो ख़ास तौर पर रियल इस्टेट के मामलात थे जिसके अंदर हमने देखा टैक्सेस की भुगतान की वजह से, भुगतान की वजह से जो मामलात काफ़ी थम से गए थे, अब वो सिलसिला कहाँ तक पहुँचा है, क्या उसमें कोई बेहतरी आई है, और मज़ीद आप क्या समझते हैं जो टैक्सेस की वजह से मुख्तलिफ शोबों के ऊपर दबाव जो बढ़ता चला जा रहा है, क्या उसमें कमी लाने की ज़रूरत है और ये कैसे मुमकिन हो, ये बड़ा अहम सवाल है। मैं चाहूँगा ज़रा इसके ऊपर गुफ्तगू की जाए। यासिर, बहुत शुक्रिया आप लोगों ने इन्वाइट किया। जो आपने बात की कि हमारे रियल इस्टेट सेक्टर जो है इसके हालात कैसे ठीक हो सकते हैं, तो बिल्कुल हो सकते हैं। सिर्फ थोड़ी सी जो है ना हमारी गवर्नमेंट हमारी पॉलिसी बेहतर कर दे और लोगों के लिए आसानियां पैदा कर दे, मतलब मैं समझता हूँ कि रियल इस्टेट हो या कोई भी इंडस्ट्री हो उसको चलने की ज़रूरत है, मईशत को बेहतर करने के लिए इंडस्ट्री को चलने की ज़रूरत है, एक्सपोर्ट करने की ज़रूरत है, एग्रीकल्चर में सहूलत पैदा करने की ज़रूरत है। देखिए, जिस वक्त आप आसानियाँ पैदा करेंगे खुद ब खुद जो है ना सिस्टम सही हो जाएगा, लोगों को रोज़गार मिलेगा, बेचैनी ख़त्म हो जाएगी, और ये जो ये अगर आप इसमें बेहतरी नहीं करेंगे तो आइंदा आने वाले वक्तों में जो हालात और ख़राब हो सकते हैं, लोगों में इश्तियाल पैदा हो सकता है। तो अभी माशाल्लाह हर चीज़ कंट्रोल में है, तो मैं समझता हूँ कि जो लोग बरसरे रोज़गार हैं उनका रोज़गार बरकरार रहना चाहिए, ठीक है, और वो उसी सूरत में मुमकिन है कि जैसे कि इंटरेस्ट रेट जो है ये बढ़ा हुआ है इसको कम होना चाहिए, और मुझे लग रहा है कि अब थोड़ा थोड़ा ग्रेजुअली कम भी हो रहा है, और मुझे लगता है आने वाले वक्तों में मज़ीद कम होगा। तो गवर्नमेंट तो अपने तौर पे कोशिश कर भी रही है, और रियल इस्टेट में लोगों को एजुकेशन बिल्कुल भी नहीं है, रियल इस्टेट में लोग जाकर सिर्फ पैसा देते हैं और समझते हैं कि चीज़ हमें मिल जाएगी, ठीक है। ये बहुत बड़ी एक अलमिया है हमारे लिए कि हम सिर्फ जो है जाके पैसे किसी को दे देते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ हमें मिल जाएगी, ठीक है। और ये जो जितने भी कोर्टों में केसेज आप देख रहे हैं उसकी वजह यही है कि वो सिर्फ तालीम ना होने की वजह से, एजुकेशन ना होने की वजह से लोग
जाके पैसे देते हैं, भरोसा करते हैं, बेसिकली लोग किसी पे भरोसा करते ऐसा हैं, ही है। वो समझते हैं कि यहाँ यही तरीका है। इसका एक सिस्टम होता है, देखा दुनिया में हर चीज़ का एक सिस्टम है, कानून है। हमारे यहाँ कोई कानून नहीं है, इसका एक कानून बनना चाहिए जिसको रीरा कहते हैं। रीरा के तहत अगर आप काम करेंगे तो किसी को कोई तालीम हासिल करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जो रियल एस्टेट एजेंट होंगे उनको अपने कोर्सेज करने पड़ेंगे, उनको तालीम हासिल करनी सर्टिफिकेशन पड़ेगी, चाहिए होगी, लाइसेंस चाहिए होगा, बिल्कुल बिल्कुल चाहिए ठीक होगा। है। तो उसके बाद आप अगर कोई भी इंसान अगर अपने पैसे लेकर आता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए किसी भी अपने रियल एस्टेट एजेंट के पास जाता है, तो उसको पता है कि ही इज़ क्वालिफाइड, जी जी उसको बिल्कुल सही पता है। है कि ये मेरे पैसों की सेफ्टी करेगा, क्योंकि वो उसके पैसे भी अदा कर रहा है, उसको उसकी सर्विस चार्जेस भी दे रहा है। बिल्कुल तो हमें चाहिए कि ये हमारी गवर्नमेंट चाहे तो कर सकती है कि मतलब एक कानून बना दे कि भाई जो भी जिसके पास सर्टिफिकेट है या जिसने एडवांस सर्टिफिकेट कोर्स किया हुआ है, जिसको मालूमात है रियल इस्टेट में या कंस्ट्रक्शन में काम कैसे किया जाता है, जब वो इंसान के पास कोई तालीम होगी और सर्टिफिकेट होगा तो क्वालिफाइड होगा, बाकायदा फिर आप उसको अपना जिस ऑफिस में बैठते हैं वहाँ पे बाकायदा आप अपना बताएं उनको कि देखें हम क्वालिफाइड हैं। तो लोगों को भी चाहिए कि पहले जाके पता करें कि सर आप क्वालिफाइड हैं, आपको पता है काम करने का तरीका। तो ये दोनों तरफ से होता है कि गवर्नमेंट भी अपनी कोशिश करे, मतलब रीरा का कानून बनाए, और लोगों को जो ये काम करना चाहते हैं रियल एस्टेट का उनको क्वालिफाइड करें, बिल्कुल उनको ठीक है। सर्टिफिकेट दें, और उनको अब पूरी दुनिया में उसके कोर्सेज होते हैं, उसके बाद रियल एस्टेट का काम करते हैं। बस किस्मती से हमारे मुल्क में जो है वो काम ऐसे शुरू कर देते हैं जिसको कुछ भी नहीं आता, उसको कहते हैं बेसिकली वो रियल्टर बन जाओ। डॉक्टर है, उसने को क्लिनिक नहीं चल रहा, उसने रियल एस्टेट खोल ली, बिल्कुल ठीक है। उसको उसकी अलिफ बे नहीं पता। अब उसी तरीके से किसी और मुख्तलिफ जो लोग अपने काम करते हैं अगर उसमें नहीं चलते तो लोग समझते हैं कि शायद रियल इस्टेट में हम आएंगे और फ़ौरन पैसा आना शुरू हो जाएगा, और पैसा आ भी जाता है, मगर पैसा एक तरीके से जब किसी को मालूमात नहीं है, आपके भरोसे पे आपने अपने फेस वैल्यू पे लोगों को बताया कि भाई ये चीज़ ले लो जी ले लो, उसको कुछ नहीं पता कि इसके असरात क्या होंगे, ठीक लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, इसका फ्यूचर क्या है, फिर इसकी डॉक्यूमेंटेशन क्या है, ये सब चीज़ें उनको नहीं पता होती। और आप भी समझते हैं कि कैसे मुमकिन है कि किसी एक नया आदमी जो है कारपेंटर का काम कर रहा है वो रियल एस्टेट एजेंसी खोल के बैठ जाए बिल्कुल ठीक और है। उसके बाद वो जो है किसी को प्लाट लेके देता है। और यहाँ ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि रियल बिल्कुल एस्टेट एजेंट जो है ना वो कारपेंटर थे, अब रियल एस्टेट एजेंट बन गए। अच्छा, ये आपने बड़ी अच्छी बात की है कि हमारे यहाँ सबसे बड़ा, अभी जैसे मैं मैसेजेस का तस्करा कर रहा था, सबसे ज़्यादा जो पैगाम आ रहे हैं अब वो शहर से बाहर, एक आपको पता है एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ और बड़ी उसकी तशहीर हुई, बड़ी प्रमोशन के ऊपर पैसे लगाए गए, सब कुछ हुआ और बड़ी तादाद में लोगों ने फिर पैसा वहाँ पर इन्वेस्ट कर दिया। वही जैसे अभी आपने कुछ देर कबल तस्करा किया कि वो भरोसा, वो इस हद तक उनको वो यकीन दिलाया गया कि इससे अच्छी शायद कोई जगह कोई नहीं होगी, और वो हर जगह पूरे पाकिस्तान में वो उसके प्रोजेक्ट्स हैं तो लोगों ने उसमें इन्वेस्ट किया है। अब उसके जो नतायज आ रहे हैं वो बड़े ख़तरनाक हैं। अब जिन जिन लोगों ने ख़ासतौर पे जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी थे जिन्होंने पैसा वहाँ पे इन्वेस्ट किया, अब बहुत ज़्यादा परेशान हैं आपके, अब उसका क्या होगा, मुस्तकबिल क्या है, ये वो तमाम चीज़ें उस वक्त तो उन्होंने उनको खातिर में नहीं लाए, लेकिन अब ये बैठ के सोच रहे हैं कि उसका क्या किया जाए। तो फिर सवाल ये अक्सर होता है कि कहाँ पर फिर इन्वेस्ट किया जाए, जगह कौन सी ऐसी है शहर कराची में, क्योंकि यहाँ तो होता ही है कि जो सरकारी भी प्रोजेक्ट होते हैं या जिनको अप्रूवल या NOCs या वो मिले हुए होते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर, उनको भी मशुमार कर दिया जाता है। तो फिर लोग सोचने पर मजबूर हैं कि कराची में बिलखसूस कहाँ पर इन्वेस्ट किया जाए, कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर जो है वो इन्वेस्टमेंट आपकी महफूज हो। देखिए मैं समझता हूँ इन्वेस्टमेंट आप पूरे कराची में कहीं भी कर सकते हैं, ठीक है, कोई पाबंदी नहीं है कि आप सिर्फ डिफेंस में ही इन्वेस्टमेंट करें। डिफेंस को क्योंकि वो वहाँ के सिस्टम ऐसा है कि वहाँ पर चेक एंड बैलेंस बहुत है, बिल्कुल ठीक और है, वहाँ पर अगर आप कोई वॉलेशन करते हैं तो वो पकड़ लेते हैं, बिल्कुल सही है। अच्छा बाकी बदकिस्मती ये है कि बाकी कराची के दूसरे इलाकों में जो है वो कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, पकड़ने वाला कोई नहीं है, वॉलेशन हो रही है तो कोई रोकने वाला कोई नहीं है। तो अल्लाह का शुक्र है कि डिफेंस में एक ऐसी जगह मौजूद है कराची में कि जो कि डिफेंस है, और वहाँ पर रिटायर्ड अफसर हैं, ऑन ड्यूटी अफसर हैं, मतलब वो उनकी तो ट्रेनिंग ये है कि भाई साफ एंड शफाफ काम करें, तो वहाँ पर कोई जरूरत भी नहीं करता कि गलत काम करने की, ठीक है। और इसी वजह से हमने भी अपना जो बिज़नेस जो हम जो लोग जो कर रहे हैं 30 साल से बिज़नेस वो डिफेंस में ही कर रहे हैं, बिल्कुल सही है। क्योंकि हम कल भी एक साहब मेरे पास आए बोलने लगे यार वो स्कीम 33 में आप काम क्यों नहीं करते, तो वो वहाँ पैसा ज़्यादा है। मैंने कहा यार अब हमें पैसा इतना ज़्यादा नहीं चाहिए, हमें अपना सुकून चाहिए,
तो सुकून जो है ना, मैं समझता हूँ कि चाहे कम पैसा मिले मगर आप ऐसी जगह काम करें जहाँ आपको सुकून हो, जी चेक एंड बैलेंस हो। अच्छा, फिर अब हम तो माशाल्लाह हमारे ऑफिस में अगर किसी रियल इस्टेट एजेंट को हम रखते भी हैं तो पहले हम उसको ट्रेनिंग देते हैं, हम उसको ट्रेनिंग देते हैं कि भाई इस तरीके से काम कर रहे हैं। हमारे कुछ उसूल हैं कि हम बिल्कुल जो है वो लोगों को इन्वेस्टमेंट कराने से पहले उनको बताते हैं कि देखें, एक तो पार्टी टू पार्टी मीटिंग होगी, जी ओरिजिनल फाइल उनकी हम देखते हैं, उसको वेरीफाई करते हैं, उसके बाद तसल्ली होने के बाद उनका डायरेक्ट एग्रीमेंट करवाते हैं, बिल्कुल ठीक और एग्रीमेंट करवाने के बाद हम दोनों पार्टियों का एग्रीमेंट अपने पास रखते हैं या किसी थर्ड पार्टी के पास रखते बिल्कुल हैं। ठीक है कि कोई भी अगर एग्रीमेंट करने के बाद, बहुत से लोग जो बायर होते हैं ना, कभी कभार वो भी परेशान करते हैं जी कि उन्होंने एग्रीमेंट कर लिया, वो कोर्ट में चले जाते हैं तो फिर वो धक्के खाते हैं। तो इसके कुछ उसूल हैं, हम तो कोशिश ये करते हैं कि भाई दोनों क्लाइंट को जो है ना वो एग्रीमेंट करवा दिया, करने के बाद उनका थर्ड पार्टी के पास एग्रीमेंट रखवा दिया, और उनका एग्रीमेंट, या फिर हमने बैंक में लॉकर होते हैं, लॉकर में हमने उनके अमाउंट भी रख दिया, उनका चेक भी रख दिया, और उनके जो एग्रीमेंट होते हैं वो भी रख देते हैं। तो अब दोनों बाउंड हैं अपने टाइम पे, एक बायर जो है वो पेमेंट टाइम पे करे और सेलर जो है उनको उनके नाम पर इजीली ट्रांसफ़र कर दे, तो बिल्कुल दोनों की सेफ्टी हो जाए। रियल इस्टेट में और कंस्ट्रक्शन में सबसे बड़ी चीज़ है कि सेफ्टी। जी मैं कहता हूँ हर जगह काम करें आप वो कोई, मगर आप पहले ये देखें कि जो चीज़ आप परचेज कर रहे हैं वो परचेज करने वाली चीज़ जो है जिससे आप खरीद रहे हैं, क्या वो मालिक हैं। हम लोग इस चीज़ का बिल्कुल नहीं ख्याल करते, बिल्कुल हम ठीक ये देखते हैं कि बस ये चीज़ अच्छी है, हम अच्छाई पे नज़र रखते हैं, हम उसके डॉक्यूमेंटेशन पर नज़र नहीं रखते। मेन चीज़ जो है, चाहे बुरी चीज़ भी है ना, उसके डॉक्यूमेंटेशन सही होनी चाहिए। बिल्कुल सही बिल्कुल ठीक है डॉक्यूमेंटेशन ये है कि भाई वो उसका जो, आपको पता है कि जो भी सीक्वेंस जो उसके डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो कंप्लीट होने चाहिए। उसके बाद आपको ये तसल्ली होनी चाहिए कि चलें, ख़ासतौर पर जो बुकिंग में जो लोग बुकिंग करते हैं उनको वो समझते हैं कि हमने आज बुक कर दी चीज़ और हमें आसानी से चीज़ मिल जाएगी। बिल्कुल सही यहाँ पे बहुत बड़ा गैप है, बिल्कुल ठीक है मतलब इसको कोई कोई ऐसा प्रोसीजर बनना चाहिए कि उस जो लोग बुकिंग कर रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, उसकी सेफ्टी कैसी है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब ज़रा सा प्राइसिंग के हवाले से बात हो जाए कि ओवर वैल्यूड क्यों है, ये एक बड़ा आम सवाल अब किया जा रहा है, ख़ास तौर पे कराची के अंदर जो भी चीज़ें लोग जिसमें इन्वेस्ट करते हैं, प्लॉट्स में या किसी भी किस्म के प्रोजेक्ट के अंदर, वो बहुत ज़्यादा प्राइसेस के अंदर इजाफा हो गया। तो इसका ओवर वैल्यू होना किस चीज़ की इंडिकेशन है? आया ये करप्शन की वजह से है या वाकई डिमांड बहुत ज़्यादा है कि अब आपके पास जगह नहीं है तो इसलिए आपको महंगी प्राइसेस में मिल रही है? ये है क्या सिलसिला, ओवर वैल्यूड के क्या चक्कर क्या है ये समझाएं। अगर सही बात आप मुझसे पूछें तो इस वक्त प्राइस ओवर वैल्यू नहीं है, कम अच्छा, हुई हुई है इस वक्त इस वक्त, कम क्योंकि वो हुई तो स्टेगनेंट है ना मार्केट। है। जी, वो लोगों में बाइंग पावर नहीं है, तो अब वो जो प्लॉट्स एक वक्त में जिस प्राइस में बिका करते थे उससे मैं समझता हूँ 25-30% मार्केट नीचे हो गई है, अच्छा, लेकिन क्योंकि पिछले जो दो बाइंग सालों में पावर, जो प्राइस हाइक आई है या इजाफा जो हुआ है उसके बाद अब आप समझते हैं कि वो डिस्काउंटेड प्राइस में दस्तियाब डिस्काउंटेड प्राइस ये है। हो गई कि देखें, अब मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई होती है, हर जगह का एक कानून है कि बिल्कुल डिमांड सही, एंड सप्लाई, इसी पे चलती आपके है पास मार्केट। डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है, प्राइस ऊपर जाएगी। आप समझते हैं इन हालात के अंदर जो है प्राइस ऊपर जाएगी, बिल्कुल ठीक। डिमांड तो है ही नहीं, सप्लाई सप्लाई है। हर इंसान इस वक्त जो परेशान हाल है वो अपनी प्रॉपर्टी सेल करके वो अपने घर के अखराजात पूरे करने की कोशिश कर रहा है, बिल्कुल ठीक है तो इस वजह से प्राइसेस जो है ना नीचे आई हुई हैं। ठीक है अब उसके बावजूद चीज़ें नहीं बिक रही, और ना बिकने की वजह जो है वो ये है कि वो टैक्सेस बहुत ऊपर लगा दी। जी मतलब अगर कोई भी सेल परचेज अगर आप करते हैं तो उसमें, अब आपको मैं डिफेंस की बात करूं तो कम से कम भी आपको जो ना 10 से 15 लाख या 20 लाख रुपये तो मिनिमम कोई भी चीज़ आप ट्रांसफ़र करते हैं, छोटे से छोटे, चाहे अपार्टमेंट ले लें जी या कोई छोटा सा प्लॉट ले लें, उसको अगर सेल परचेज करते हैं तो 10 से 15 लाख तो आप निकाल दें ना, कि ये तो आपको खर्च करने ही करने हैं। बिल्कुल और सही अगर प्लॉट की जो साइज़ बड़ा है तो उसके बाद उसमें आपकी प्राइस और बढ़ती चली, तो एक्सपेंस बढ़ते चले जाते हैं। अब एक इंसान अगर फर्ज करें कि 3 करोड़ का प्लॉट ले रहा है तो वो सोचता है मुझे तो 3.5 का पड़ जाएगा या 3.25 का पड़ेगा, तो वो फिर वो सोचता है कि यार ये, फिर उसके बाद एक और भी है कि चले अगर आपने प्लॉट परचेज कर लिया, टैक्सेस भी दे दिए, अब वो 2 पैसे कमाने के लिए लेता है, जी अब उसको पता है फिर मैं बेचूंगा फिर मेरे पे खर्चा है, बिल्कुल सही इनकम टैक्स में भी डिक्लेयर करना है, और ये जो गेन टैक्स भी देना है, तो टैक्सेस वगैरह लोग डरते हैं। अब उसी वजह से लोग क्या करते हैं कि अब सेल परचेज रुक गई है, लोग अभी भी बहुत से लोग जो अपनी प्राइस फर्क करें जो भी प्राइस है उससे भी कम करके भी बेच के पैसे बैंक में रख रहे हैं, तो बैंक में पैसे रखना हल नहीं है। तो बैंक का इंटरेस्ट रेट हर सूरत में कम होना चाहिए,
जो कि मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में होगा, कम जैसे होगा। इन्फ्लेशन के नंबर्स हैं उसको देखते हुए यही प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि आने वाले वक्त में हो सकता है कि मज़ीद इसमें कमी हो। और जब इसमें ये शरह सूद की बात हो रही है, ज़रा आसान लफ्ज़ों में इसके हवाले से बात कर लेते हैं कि जो सूद, ये जो शरह सूद है ये जब कम होगा तो फिर मामला जो वो बेहतर होंगे। और लोग ज़ाहिर पैसा जब निकालते हैं कारोबार में लगाते हैं उसके बाद ही फिर ये इकोनॉमिक साइकिल जो है वो पूरा चलने लगता है, तो ये बड़ा ज़रूरी है। अच्छा जी, इसके अलावा अब जैसे बात हो रही थी कि ये कितने से इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, अब तो पहले ज़माने में तो ये था कि लोग शायद इस काबिल थे लेकिन अब तो उनके पास शायद इतना अमाउंट ना हो कि वो इन्वेस्ट कर सकें, तो आपके ख्याल में कितना अमाउंट होना ज़रूरी है? और एक आम ख्याल ये कि जहाँ पर आप काम कर रहे हैं DHA में, वहाँ पर प्रॉपर्टी इतनी सस्ती ना हो, शायद 50, 60 या 70 से तो इसमें कोई चीज़ शायद अवेलेबल ना हो, क्या ये ख्याल दुरुस्त है, वाकई ऐसा है? देखिए, डिफेंस में जब लोगों को मालूमात नहीं है तो एक लोगों का आम ख्याल ये होता है कि शायद डिफेंस एक ऐसी जगह है कि हमेशा से एक डिफेंस का एक खौफ रहा है प्राइस के हवाले से कि ये महंगा है, महंगा है, महंगा है ना। तो मगर लोग उसको समझने की कोशिश नहीं करते, वहाँ जाके चेक नहीं करते और अपने हालात चेंज करने के लिए निकलें, जाके चेक करें, उसको देखें कि भाई वहाँ का मियार है क्या, किसी की सुनी सुनाई बातों पर अमल ना करें, खुद जाएं निकलें जाके देखें। मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो है वो डिफेंस में 15-20 करोड़ रुपए का भी अपार्टमेंट है और 70-80 लाख रुपए का भी अपार्टमेंट है, ठीक है। तो 70-80 लाख रुपए का अपार्टमेंट कोई कचरा नहीं है, ये भी अच्छे कमर्शियल एरियाज में अपार्टमेंट है और वो भी तकरीबन समझ लें 120 गज का बन जाता है, बिल्कुल सही है। 2 बेडरूम है, टीवी लॉन्ज है, ड्राइंग रूम है, लाउंज है, बालकनी है, मतलब वो बहुत अच्छी चीज़ है और वो प्राइस भी बहुत कम है। अब इससे अंदाज़ा लगा लें कि लोगों में कुव्वत खरीद नहीं है, यही वो अपार्टमेंट है जो कि 1.25 करोड़ रुपए के हुआ करते थे, मतलब 1 करोड़ 20 लाख, 1 करोड़ 10 लाख के होते थे। आज वो ज़रूरतमंद है, उनको पैसों की ज़रूरत है, जाहिर है लोगों के अपने मसाइल होते हैं, किसी को शादी करनी है, किसी को कोई और अपने काम है, तो वो अपना प्लाट जब वो अपार्टमेंट बेचने निकलता है या छोटा सा प्लाट बेचने निकलता है तो उसको पता है कि मैंने प्लाट निकाला, मैंने फ्लैट निकाला तो मेरे साथ साथ पता नहीं इसी मार्केट में 50 फ्लैट और भी बिक रहे हैं। अब जब सप्लाई ज़्यादा हो गई तो वो फिर अपनी प्राइस कम करने पे मजबूर है, वो कम करेगा तो उसकी चीज़ बिकेगी, तो वो कम करते करते अब ये समझ लीजिए कि अब ये 70 लाख पे भी अपार्टमेंट आ गया, ठीक है। और ये टाइम है कि अगर कुछ लोगों के पास जिनके पास पैसे हैं वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो डिफेंस पे इन्वेस्ट करें, ठीक है। और नहीं कर सकते तो आप हमसे रब्ता कायम करें, हम उनको बताएंगे, उनकी सेफ्टी भी करेंगे, उनके पैसे की हिफाजत भी करेंगे और उनको अच्छी जगह इन्वेस्ट कराएंगे। और जैसे हालात बेहतर होंगे, इंटरेस्ट रेट कम होगा, आप देखेगा यही चीज़ें जो ना माशाल्लाह 40-50% प्लस हो जाए, बड़ी जल्दी रिटर्न देती हैं। ये इसमें एक फ़ायदा है, खासतौर पर रियल इस्टेट के अंदर बड़ी तेज़ी से लोगों को जो है वो इसके ऊपर फ़ायदा हुआ है या इसमें बहुत जल्दी जो है वो कैपिटल गेन हुआ। तो बहरहाल अब लेकिन टैक्सेस का एक मामला ऐसा है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है वो मामला मुश्किल हो गए और लोग इन्वेस्टमेंट से दूर होते चले गए, बल्कि बहुत सारी जगहों पर शायद इन्वेस्टमेंट और भी दीगर जगहें हैं, स्टॉक मार्केट वगैरह को कि अभी तो बड़ी शानदार उसकी परफॉर्मेंस जा रही है, मगर इसके बावजूद भी लोग थोड़ा सा मोहतात हैं। अच्छा, ये भी एक ख्याल है, मैं कभी फिर इसके बारे में इंशाल्लाह तफसील से गुफ्तगू करूँगा कि इसकी क्या वजह होती है, क्यों इसमें इन्वेस्ट किया जाता है। अच्छा, ज़रा आपके काम के हवाले से, ज़रा यूनिवर्सल इस्टेट्स के हवाले से ना, आपने बनाया और फिर आप काम आपने शुरू किया, फिर एक न्यूली डेवलप एरिया है फेज़ 8 जहाँ पर काम हो रहा है, बड़ी तेज़ी से मैं देख रहा हूँ कि वहाँ पर प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है, क्या फीडबैक है, कैसा काम वहाँ पर जारी है, ज़रा ये बताइए। देखें, आप पहले तो समझ लें कि सबसे पहले तो जिस जगह आप इन्वेस्ट करें या काम करें तो वो जगह अगर न्यूली डेवलप है, अब ये तकरीबन 40-50% ये डेवलप हो गया फेज़ 8, बिल्कुल, अब वहाँ पर आबादी हो गई है, लोगों की रिक्वायरमेंट है कमर्शियल या रेजिडेंशियल, तो लोग आ रहे हैं और वो बहुत अच्छा कमर्शियल है, तो इन्वेस्टमेंट के लिहाज में तो फेज़ 8 बहुत बेहतर है और वहाँ पर लोगों का रुझान भी है, लोग कर भी रहे हैं इन्वेस्टमेंट। और माशाल्लाह भी हमने भी इसीलिए अपना ऑफिस जो है फेज़ 8 में बनाया है, जी जी, और जब से हमने फेज़ 8 में अपना ऑफिस बनाया है उसका फीडबैक बहुत अच्छा है, माशाल्लाह, मतलब लोग आते हैं, समझते हैं, देखते हैं, पूछते हैं, हम उनको गाइड करते हैं, जो परेशान हाल है जिनको अपनी प्रॉपर्टी सेल करनी है वो ईजिली वहाँ पर बैठ के बिक जाती है, मगर वो जो मार्केट की प्राइस है उसी पर बिकती है, और अगर किसी को कोई चीज़ खरीदनी है तो उनको हम गाइड करते हैं, क्योंकि जाहिर है वहाँ पर सेलर भी है, परचेजर भी है, डिमांड भी मौजूद है, सप्लाई भी मौजूद है, तो वहाँ पर मेरे ख्याल में अभी दूसरे कमर्शियल, दूसरे जो फेज डिफेंस के जो दूसरे फेजेज हैं उससे फेज 8 बहुत बेहतर है और उसका फ्यूचर भी है, और मैं समझता हूँ आने वाले वक्तों में इसको गेटेड बना देंगे, क्योंकि ये वाहिद
जगह है फेजेट जिसके तीनों तरफ पानी है जी, एशिया में ऐसी कोई जगह नहीं है कि जहाँ तीनों तरफ पानी है और सामने जो इत्तेहाद का जो रोड जा रहा है सिर्फ यहाँ, ये एक जगह है जहाँ पर से 8 गेट है, तो वो 8 गेट को कंट्रोल कर रहे हैं। अब उन्होंने अपनी सिक्योरिटी भी बढ़ा दी DHA ने, तो ये बेहतर बहुत अच्छा कमर्शियल और बहुत अच्छा रेजिडेंशियल एरिया होने जा रहा है। तो मैं समझता हूँ अगर, और प्राइसेस बहुत कम है, आपकी सोच से ज़्यादा कम है, कि 500 गज का प्लाट, 500 गज का रेजिडेंशियल प्लाट अगर मैं कहूँ तो 3.25 करोड़ में भी मौजूद है। अच्छा, इस हद तक सवा तीन तो करोड़ किसी ने तो ये शायद तो नहीं सोचा। ना यकीन आने वाली चीज़ है ना, बिल्कुल मगर है, मौजूद है। आप उससे थोड़ा सा और बेहतर, मगर ये ऐसा नहीं है कि कोई बिल्कुल एक कचरे में नहीं है, बहुत अच्छी जगह है वो, अच्छी जगह पर बिल्कुल। अब सिर्फ क्योंकि प्लॉट्स की वैल्यू, प्लॉट्स बहुत हैं, क्वांटिटी बहुत है प्लाटों की, अब लोगों की ज़रूरत है तो लोग अपने प्राइजेस कम करते रहते हैं, फिर भी खरीदार नहीं है, लोगों में कुव्वत खरीद ही नहीं है, बिल्कुल सही। और जिनके पास पैसे हैं वो बैंक में रख देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इंटरेस्ट रेट सबसे पहले कम करें, और इंटरेस्ट रेट कम करेंगे ना, और जैसे ही देखिएगा कि इंटरेस्ट रेट कम हुआ जी, एकदम प्रॉपर्टी के अंदर जंप आएगा। जंप आएगा बिल्कुल। ये तो एक बड़ी यकीनी सी बात है कि जैसे ही मामलात बेहतर होते हैं, ख़ास तौर पे जैसे ही शरह सूद में कमी होती है, फौरन से जो है वो मामलात बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, अब एक आम सवाल ये किया जाता है कि जो बेसिक यूटिलिटीज़ हैं, क्या न्यूली डेवलप एरिया होता है वहाँ पर ये सारी चीज़ें मौजूद होती हैं, फिर DHA के लिए फिर एक हमेशा जब भी हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं ख़ास तौर पे घर बनाने की, तो लोग कहते हैं कि जी पानी और दीगर यूटिलिटीज़ शायद वहाँ पे नहीं है, पता नहीं, मेरा इस बारे में कोई ज़्यादा नहीं है, आप ज़्यादा बेहतर जानते होंगे। तो ऐसी जगह पे जब इन्वेस्टमेंट का किसी को वो देते हैं तो कहते हैं ना लॉन्गर रन, यानी कि आगे आने वाले वक्त में क्या ये सारी चीज़ें होंगी यूटिलिटीज़ के हवाले से, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, वो क्या सूरत हाल है ये बताइए। मैंने कहा ना लोगों का ख्याल है, जैसे आप जैसा इंसान भी उसको नहीं मालूम कि वहाँ, मगर हम क्योंकि वहाँ रहते हैं, काम करते हैं, तो हमको पता है। तो DHA एक वो इदारा है जो अपनी जिम्मेदारी पूरी करता है, वो पानी भी देता है और सुई गैस अगर फेज 8 पे भी फिलहाल कुछ जगहों पे है, कुछ पे नहीं है, मगर वो सब चीज़ें प्रोसेस में है। जैसे पानी फेज 8 में नहीं है, मगर वो बाउदर के जरिए देते हैं। अब लोग समझते हैं कि बाउदर खुद आगे पानी डाल के जाएगा, ऐसा नहीं होता। आप जाएं पहले अपनी कंप्लेन लिखवाएं, वहाँ पे अपना रजिस्टर्ड करवाएं, अपना बेंगलोर नंबर, अपना जो भी आपकी प्रीमिसेस है, फिर उनको पता होगा कि वो आपको 4 कूपन दे देंगे, आपको उनकी जरूरत के मुताबिक जो पानी सबको मिलना चाहिए वो फिर वो DHA देता है, क्योंकि वो पैसे वाटर के चार्जेस भी लेते हैं तो वो देते हैं। मगर अब लोग समझते पानी नहीं है, उसको छोड़ें, जो फेज 6 है या फेज 5 है या दूसरे जो जो रेजिडेंशियल कमर्शियल एरियाज हैं वहाँ पानी नहीं आता, उसकी कुछ वजूहत हैं। पानी हर जगह मौजूद है, पानी आता है, ये लोग चलाते हैं पानी। आप ये बताइए कि बराबर वाले घर में पानी आ रहा है, आपके घर में पानी नहीं आ रहा, आपने डंडोरा पीट दिया कि वहाँ पानी नहीं आता। सही भाई, आप अपनी कोताही तो समझें कि आपने एक बंगले को 15 साल 20 साल हो गए या 10 साल हो गए, अब आपने जो पानी की लाइन आ रही है वो सिस्टम है ना, कि वो पानी की एक लाइन है जो DHA देते, अब वो पानी की लाइन में वो आते आते क्रोजन आ गया या कचरा आ गया, तो वो जिस लाइन से पानी आ रहा है उसमें कचरा आ जाएगा, तो आगे पानी कैसे आपके टैंक में जाएगा। आपको उसकी मेंटेनेंस की ज़रूरत है, किसी को बुला के चेक कराने की ज़रूरत है। मगर हमारे यहाँ क्या होता है कि जब भी पानी ख़त्म होता है ना, अचानक जो है ना गार्ड का टेलीफोन आता है या घर का चौकीदार का, पानी ख़त्म हो गया, फौरन हम लोग जो है ना उठाते हैं, टेलीफोन करते हैं टैंकर वाले को कि टैंकर, तो ये गलती हमारी है, हम उसको ये नहीं देख रहे पानी क्यों नहीं आ रहा। अच्छा चले नहीं आ रहा तो उसका पोस्टमार्टम करें कि पानी क्यों नहीं आ रहा, बराबर में पता करें आ रहा है या नहीं आ रहा। ये लोगों ने अपनी आदत खुद बिगाड़ ली कि फौरन टेलीफोन करते हैं, टैंकर वाला बांध लिया कि भाई पानी खत्म होगा, 15 दिन के बाद टैंकर डाल दिया करो, तो उसमें DHA का तो कोई कसूर नहीं है। हाँ, आप DHA को कंप्लेन करें पानी नहीं आ रहा, वो बिल्कुल आपके लाइन भी सही करेंगे, आप उनको कंप्लेन करें। अब लोग समझते हैं बजाय वो कंप्लेन वाले प्रोसेस में जाने के, आप परचेज कर लो टैंकर, ठीक है, और फिर हम उनको बुरा भी कहते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो आपके ख्याल में ये एक वजह है जिसकी वजह से पानी का एक जो खास तौर पर मसला शहर कराची के अंदर, तो बहरहाल इसका साल साल ये मसला चला आ रहा है, लेकिन ये इलाके वो हैं जहाँ पे चीज़ें रेगुलेटेड हैं और एक तरीका कार यहाँ पर वजह किया गया है, तमाम चीज़ों के ऊपर नज़र रखी जाती है। तो ये है जनाब। अच्छा जी, अब आगे चल के थोड़ी सी और बात हो जाए, रियल इस्टेट के हवाले से ही हो रहा है ना, वैल्यूज़ के हवाले से थोड़ा सा कन्फ्यूजन पाई जाती है हमारे यहाँ। फेयर वैल्यू के ऊपर अक्सर आप काफ़ी जोर देते आए हैं, क्यों इसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, ये मैं चाहूँगा ज़रा बात हो इसके ऊपर। जी देखिए, फेयर मार्केट वैल्यू इसलिए ज़रूरी है कि अब गवर्नमेंट ने एक मार्केट वैल्यू फिक्स कर दी जी, अब कहीं पर अगर एक प्लाट 10 करोड़ का है, अब उसकी फेयर मार्केट वैल्यू, 10 करोड़ है, अब वहाँ पर उसका जो रेट है वो तकरीबन समझ लें 2 या 3 करोड़ रुपए का है,
तो अब उसके हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा, जो भी 3% एडवांस है, 3% गेन टैक्स है। अब कुछ जगह ऐसी होती है जो कि कमर्शियल से करीब हैं, या कोई कब्रिस्तान के करीब हैं, या कोई थोड़ा सा ऐसा इलाका है जो कि कच्ची आबादी के करीब है, और वहाँ पर प्लाट की वैल्यू तो गवर्नमेंट ने वही रख दी, देखिए सही। वही रख दी है। अब उसकी वैल्यू जो है ना, फर्ज करें कि उन्होंने 2-2.5 करोड़ रुपए रख दी, मगर उसका रेट जो है वो यूँ समझ ले कि कुछ जगह ऐसी जहाँ पे 10 करोड़ का भी रेट है, जी जो कि फेयर मार्केट के बहुत करीब है। बिल्कुल ठीक अब कुछ जब अब उससे हट के अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो कि कच्ची आबादी के करीब है या फिर कमर्शियल के करीब है, तो वो सस्ती होती है। बिल्कुल ठीक अब यहाँ ये होता है कि जैसे 8 करोड़ रुपये उसकी वैल्यू बन रही है, फेयर मार्केट वैल्यू, अब वहाँ पर उस प्रॉपर्टी की कीमत ही 3-4 करोड़, जी मगर आपको 8 करोड़ के हिसाब से आपको टैक्स देना है, वो ये क्यों? बिल्कुल सही। ये गलत है ना, क्योंकि देखिए फेयर मार्केट वैल्यू होगी तो उसको पता है भाई ये अफेक्टेड प्लॉट है, तो ये अफेक्टेड होने की वजह से इसकी फेयर मार्केट वैल्यू 3 करोड़ है, बिल्कुल तो ठीक है। 3 करोड़ के हिसाब से दे दे, मगर गवर्नमेंट नहीं लेगी, गवर्नमेंट तो 8 करोड़ के हिसाब से लेगी, क्योंकि 8 करोड़ पे इस जगह का रेट है। तो इस वजह से हम चाहते हैं कि फेयर मार्केट वैल्यू, जो मार्केट वैल्यू है, उसके ऊपर आप सेल परचेज करें, और उसको जो टैक्सेस है ना उसमें आप 1% टैक्स कर दें, चाहे गेन टैक्स हो या एडवांस टैक्स हो, बिल्कुल तो ठीक आप है। 1% कर दें, तो आप देखिएगा सेल परचेज भी आपकी बढ़ जाएगी, आपकी मईशत भी बेहतर हो जाएगी, और मुल्क के हालात भी देखें, ये ग्रेजुअली, ये एक आदमी का नहीं, इसमें कई लोगों का रोजगार है। मगर ये जो टैक्स बढ़ा के आप समझते हैं कि हमने टैक्स ज़्यादा लगा दिया तो ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा, ज़्यादा नहीं होता, कम हो जी जाता है, क्योंकि सेल परचेज कम हो जाती है। बिल्कुल ठीक है। अब जो लोग जेन्युइन तरीके से काम करना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं, वो पहले सोचते हैं कि हमारी चीज़ तो एक तो बिक भी कम में रही है, फिर हमें इतना टैक्स देना पड़ेगा, फिर वो कमीशन देना पड़ेगा, तो इस वजह से वो सेल परचेज भी रुक गई। जब वो सेल परचेज रुकती है तो आगे कंस्ट्रक्शन जो है ना वो भी रुक जाती है, क्योंकि वो भी कंस्ट्रक्शन वाला भी कहता है मैं अपना पैसा कंस्ट्रक्शन में लगाऊँ तो उसके रेट बढ़ गए, फिर वो मतलब पूरा सिस्टम है। इसको ग्रेजुअली आपको सही करना होगा कि पहले तो आप अपना जो इंटरेस्ट रेट कम करें, और फिर टैक्सेस कम करें, और फिर ओवरसीज पाकिस्तानी को सबसे पहले कॉन्फिडेंस दें, क्योंकि ओवरसीज पाकिस्तानी हमारे मुल्क को में बहुत बड़ी मतलब सरमाकारी करता था, इस वजह से वो भी सरमाकारी नहीं कर रहा। बिल्कुल ठीक है। गैर यकीनी की सूरत हाल की वजह से ये बात दुरुस्त है कि इन्वेस्टमेंट में कमी आई है, और ख़ास तौर पे जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हैं उनके लिए सबसे अच्छी जगह जो है वो रियल इस्टेट समझी जाती थी जिसके अंदर वो इन्वेस्ट करते थे। अच्छा जी, ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मज़ीद कुछ मामला है जिसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे, और ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, बात हो रही थी रियल इस्टेट सेक्टर के हवाले से, और जनाब सैयद रोशन अली वारसी साहब तशरीफ़ फरमाए, उनसे बात कर रहे थे जो ख़ास तौर पर मुल्क की इकानमी है उस पर बात करने की ज़रूरत है। रोशन साहब, आप ये फरमाइए कि अभी जैसे आपने रियल इस्टेट के निशानदेही की, मामलात की, मसाइल की निशानदेही की, और बार बार इस मसले की तरफ निशानदेही करते आ रहे हैं कि यहाँ पर बाकायदा कोई निज़ाम होना चाहिए, कोई ऐसा तरीक़ाकार होना चाहिए कि ख़ास तौर पर रियल इस्टेट के शोबे में जो लोग इन्वेस्ट करते हैं उनकी इन्वेस्टमेंट को महफूज बनाया जाए, ये कितना ज़रूरी होता है? क्योंकि हमारे यहाँ एक बड़ा मसला हमेशा ये भी रहा कि लोगों ने इन्वेस्ट तो किया, जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले तस्करा किया ना चाहते हुए कि शहर से बाहर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, अब लोग ये सोचने पे मजबूर हैं कि फिर किया क्या जाए, जब इतना बड़ा ब्रांड, इतना बड़ा नाम हुआ, उसमें इन्वेस्ट भी किया, फिर वो उसके ओनर जो है वो एवरी नाउ एंड देन किसी करप्शन के केस में, कभी किसी कंट्रोवर्सी में, स्कैंडल में, जिसकी वजह से लोगों को बड़ा भारी नुकसान उसके ऊपर हुआ है, तो फिर किया क्या जाए, और फिर किस कैसे है? फिर इसको सिक्योर बनाया जाए, क्योंकि रेगुलेटरी अथॉरिटी जैसे आपने बात की, कोई एक मखसूस जगह इस्लामाबाद में तो एग्जिस्ट करती है, बाकी जगहों पर नहीं है। हर किसी ने लोगों को कहा कि इधर इन्वेस्ट करो, अब वो बेचारे बहुत ज़्यादा परेशान है, क्या किया किया जा सकता है, ये फरमाइए। देखिए, रेगुलेटरी अथॉरिटी की जो आपने बात की है, ये तो आपको करनी पड़ेगी, आज नहीं करेंगे कल करनी कल पड़ेगी, ये तो कानून है ना सर, कानून तो होना ही चाहिए हर चीज़, और इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, इसका कानून नहीं है, कानून तो होना चाहिए, और अगर कानून है तो उस पर इम्प्लीमेंट होना चाहिए, आज नहीं हुआ तो कल होगा, होगा। और ये जो आपने बात की कि अब पैसे कहाँ इन्वेस्ट करें, तो देखें इंसान लालच में फंसता है,
हर इंसान जो है ना, एक तो यहाँ ये कि हम लोग एक दूसरे पे भरोसा बहुत जल्दी करते जी हैं, तो इसमें भरोसे नाम की चीज़ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए रियल इस्टेट में या किसी भी जगह पे आपकी भरोसे नाम की चीज़ नहीं होनी चाहिए। अपनी जो आपके सिस्टम है ना उसके तहत आप अपनी बिल्कुल ठीक है। तसल्ली करें और फिर आप अपने डॉक्यूमेंटेशन बिल्कुल सीधी रखें। उसका एक पूरा प्रोसीजर है, मैं आपको बताना शुरू करूंगा तो शायद शो का टाइम ख़त्म हो जाएगा, तो पूरा मैं आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। इस वजह से बेहतर ये है कि आप मालिक से डील करें और एग्रीमेंट उनके साथ डायरेक्ट करें, मालिक के साथ डॉक्यूमेंट देखें। बुकिंग में जाएं तो बुकिंग वाला जो भी प्रोजेक्ट होता है वो आपको कभी भी डॉक्यूमेंट नहीं दिखाता कि डॉक्यूमेंट है किसके नाम पर जी जी या इसकी सारी चीज़ें एनओसीज वगैरह है या नहीं है। तो चले मैं कहता हूँ पूरे डॉक्यूमेंटेशन आपकी कंप्लीट है, तो बिल्कुल ठीक है फिर आप वो जो जिसके नाम पर है वो खुद एग्रीमेंट क्यों नहीं करता जब बिल्कुल आप ठीक सेफ है। हैं। अगर आप उसके साथ एग्रीमेंट नहीं करेंगे और उसके बिहाफ पे कुछ और लोग अगर एग्रीमेंट करेंगे, इसका मतलब उसने अपना प्रोजेक्ट आपको बेचा ही नहीं है। तो आपके क्लर्क से पैसे लिए, क्लर्क ने साइन करके आपको रसीद दे दी, तो आप किधर जाएंगे अपना इंसाफ मांगने? तो ये सब चीज़ें समझने की ज़रूरत है। ये जिस जगह जो बड़े प्रोजेक्ट की आप निशानदेही कर रहे हैं, मैं कहता हूँ इससे भी बड़ा प्रोजेक्ट बना ले, कोई मसला नहीं है, मगर जो परचेजर है, जो खरीदार है, जिसके पैसे हैं, उसको ये चीज़ समझनी होगी। बिल्कुल ठीक अगर है ये सब चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट ना करे, सेफ हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। मगर क्योंकि वो समझता है दुनिया कर रही है, लाइन लगी हुई है, मैं नहीं करूंगा, मैं पीछे रह जाऊंगा, होता क्या है कि वो सब फंसने के लिए जा रहे हैं, तो ये भी उस लाइन में खड़े हो जाते हैं। एंड एंड ऑफ द डे वो फंस जाते हैं वो आगे जाकर। मैंने रजिस्ट्रेशन के लिए लोगों को लाइन लगा कर देखा है, उसकी रजिस्ट्रेशन लेने के लिए लंबी लंबी कतारों में लगे हैं, और क्या कुछ यहाँ पर नहीं देखा। और आज मैं सोचने पर मजबूर हूँ को बेचारे कितने परेशान हैं, फिक्रमंद हैं कि उन्होंने क्या क्या जतन नहीं किए। फिर दूसरा ये कि हमें एक और भी एक सिस्टम बन गया, जैसा हम स्टॉक मार्केट में देखते हैं कि शेयर्स ट्रेड होते हैं, यहाँ पे फाइल्स जो हैं उसके काम ऊपर लगा दिया कि ये फाइल ले लो, ये इतनी वो पोजिशन है नहीं है, उसके वेयर अबाउट्स किसके पास है नहीं पता, वो फाइल पर आपको लगा दिया है और वो मार्केट एक बन गई है जिसके अंदर फाइलें जो है वो ट्रेड हो रही है। ये क्या कल्चर है अब हमारे यहाँ रियल इस्टेट के अंदर? जब भी वो होता है यही बात अब सुनने में आती है, वो जी फलाना फाइल मेरे पास है वो फाइल ले लो, और ये क्या चक्कर है, ये तो ज़रा समझाएं। मैंने कहा कि अगर इस किस्म का इसमें कसूरवार खरीदार भी है जिसके पैसे डूब रहे हैं या जो परेशान है, वो उसमें कसूरवार वो खुद है। मेरे ठीक है। देखें तहकीकात आप खुद नहीं कर रहे, तो एक आदमी स्मार्ट है, वो अपना गेम खेल रहा है, तो वो तो फायदा उठाएगा। जी बेवकूफ़ आदमी जो कि उसकी तहकीकात नहीं कर रहा, वो सिर्फ इस चक्कर में जा रहा है कि भाई सिर्फ 1 लाख रुपये देना है, लाइन लगी हुई, मैं भी लाइन में लगूंगा, वो भी अपना लाख रुपये दे के आएगा। बिल्कुल सही वो है। आपने लाख रुपए नहीं दिए, माजत के साथ फर्ज करें 70 लाख रुपए का कोई आपने कोई भी चीज़ खरीदी है, अब 1 लाख रुपए में आप फंस गए। अब उन्होंने शेड्यूल बना दिया, उसके हिसाब से तो आपको पेमेंट देनी। अब आप 1 लाख बचाने के लिए मजीद आपको 2 लाख देने पड़ेंगे, 5 लाख देने पड़ेंगे, देते रहेंगे। अब आपका जब ये पूरी पेमेंट हो जाती है, अब क्या गारंटी कि वो चीज़ आपके नाम पर ट्रांसफ़र होगी या वो उस जगह पर मौजूद होगी जहाँ पर आपने खरीदी थी, बिल्कुल सही। और किसी वजह से कोई मिसहैप आपके साथ हो जाता है, तो ये रसीदें लेके कहाँ जाएंगे, कौन से कोर्ट में जाएंगे? क्योंकि आपने तो मालिक को पैसे दिए ही नहीं है। बिल्कुल ये भी एक प्रॉब्लम है, बिल्कुल आपने ठीक कहा। अच्छा, ओवरऑल इकोनॉमी की तरफ थोड़ी सी बात हो जाए। अब जिस तरह से मामला बेहतर होते जाते हैं, सूरत हाल बेहतर होती है, माजी में भी ऐसे ही हुआ कि हुकूमत एक वक्त तक काम करती है, मुश्किल फेज़ आता है, फिर वो निकलते हैं उससे, फिर सूरत हाल यहाँ पर बेहतरी की कोई सूरत हाल नज़र आ रही है क्या आपकी इससे उम्मीदें हैं? और अभी क्योंकि आपने बाहर भी विज़िट किया, वहाँ भी सूरत हाल देखी है, वहाँ से और यहाँ में कितना फ़र्क है? वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे भी शायद लोग जो है वो लाइल्म है, पूरी दुनिया में इस वक्त जो है मौशी सूरत हाल वैसे बड़ी मुश्किल होती जा रही है, तो यहाँ पर क्या सूरत हाल और वहाँ पर आप मामला जब देखते हैं कितना फ़र्क नज़र आता है? देखिए मैं अभी कोई 1 हफ्ते या 10 दिन पहले ही वापस आया हूँ, तो मैंने आने के बाद देखा कि हमारा मुल्क आज भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। बिल्कुल ठीक है। वो सब चीज़ें देखने के लिए, मगर आप देखें तो दुनिया के हालात बहुत ख़राब हैं, जंग का माहौल है, जी बल्कि अब लोगों जो हम समझते हैं ना, हम अपने मुल्क की खुद बुराई कर रहे होते हैं और लोगों को अच्छा समझ रहे होते हैं। अच्छा, दूसरे हमको अच्छा समझ रहे होते हैं, अपने मुल्क की बुराई कर रहे होते हैं। आप सिर्फ जाके देखें, आप यहाँ से बहुत सारे पैसे लेके जाएंगे तो आप 1 महीना भी खर्च नहीं कर सकते, 1 महीने से पहले ख़त्म हो जाएंगे पैसे, जी इतनी महंगाई हो गई। जो लोग वहाँ के मुकामी हैं उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो अपना गुजर बसर कर सके, बड़े हालात ख़राब हो गए। अब देखिए बांग्लादेश कल तक कितना अच्छा था, आज 1 मिनट के अंदर उसकी काया पलट गई, चेंज हो गई। जी तो ये तो दुनिया पूरी चेंज होती जा रही है। हमारे यहाँ जो है ना, आज भी अल्लाह का शुक्र है कि मतलब हालात बहुत दूसरों से अच्छे हैं। सिर्फ ये कि इंतज़ार करें, बेहतर हो जाएंगे, और ये जो हम लोग जितनी भी हमारी मौशी हालात है वो
ظاہر ہے ڈالر پہ بیس کر رہے ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں جو نا ڈالر کا بیڑا غرق ہو جائے گا, اور جب ڈالر کا بیڑا غرق ہوگا تو ہمارا جو قرضہ ہے ہی ڈالر میں, تو ڈالر سے ہماری جان چھوٹ جائے گی, ہم لوگ پھر آزاد ہو جائیں گے انشاءاللہ. اس کے لیے شاید 2-3 سال لگیں گے, جو مجھے ایسا لگتا ہے, کیونکہ اب دنیا پوری چینج ہو رہی ہے نا. اب جو بڑی بڑی طاقتیں ہیں وہ ڈالر کو دیکھنا ہی نہیں چاہتی کہ وہ ڈالر اس مقام پہ رہے. جب وہ نہیں رہے گی تو دوسری کوئی کرنسی آئے گی, اور ہمیں جو پیسے جو ادا کرنے ہیں قرضے کی صورت میں وہ ڈالر میں ادا کرنے ہیں. تو یہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں گی کہ آج بھی الحمدللہ صرف تھوڑے سے ہمارے جو حکمران ہیں تھوڑی توجہ دے دیں معیشت کے اوپر. ہماری جو انڈسٹری بند ہو رہی ہے ان کو چلانے کا فارمولہ چلائیں, جو انڈسٹری بند ہو گئی ہے اس کو صرف چلنے کے لیے تھوڑی سی آسانی پیدا کر دیں, یہ ملک پھر کھڑا ہو جائے گا. ملک آج بھی چل رہا ہے, مگر وہ لوگ جو بیچارے پریشان حال ہیں, جن کی سیلری نہیں ہے, گھر میں کھانے والے لوگ بہت ہیں, صرف ان کے لیے تھوڑا سا فکر مند ہوتے ہیں ہم لوگ کہ ان کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ وہ اپنا گزر بسر کر سکے. ان کے پاس سب سے پہلے تو میں گورنمنٹ سے اپیل کروں گا کہ پینے کا صاف پانی دے دیں ان کو. بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں اگر آپ کچھ نہیں دے رہے وہ تو مر رہے ہیں, مگر یہ کہ اگر پینے کا صاف پانی نہیں ملے گا وہ مجبور ہیں زندہ رہنے کے لیے, ان کو جو پانی ملے گا وہ پئیں گے. بالکل صحیح. مگر جو پانی وہ پئیں گے اس کے اثرات ان کو 2-4-6 سال کے بعد نظر آئیں گے, ہیپاٹائٹس میں وہ لوگ وہ مبتلا ہو جائیں گے. تو یہ سمجھ لیں کہ گناہ کبیرہ سمجھ لیں کہ ہم مسلمان ہیں, ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کو صاف پانی دے دیں. پھر اس کے بعد ان کا نصیب ہے, پیسے ہیں, تعلیم ملتی ہے نہیں ملتی ہے, جو کہ حکومت کی ذمہ داری ہے ملنی چاہیے, مگر نہیں بھی ملتی تو وہ لوگ برداشت کر لیں گے, وہ وقت آنے پہ مل جائے گی. مگر پانی تو روز مرہ کی ضرورت ہے آپ کی. اگر پانی نہیں ہے, لوگوں پر پیسے نہیں ہیں, لوگ کو آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ لوگ جو ہے نا پانی خرید کے پی لیں گے؟ بالکل ٹھیک ہے. گندا پانی پینے پہ مجبور ہیں. آپ مجھے بتائیں جب اس قسم کا پانی لوگ پئیں گے تو اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ آپ لوگ ٹیسٹ نہیں کراتے, لوگ ڈر کے مارے ٹیسٹ نہیں کراتے جی, کہ کوئی بیماری نہ نکل آئے. اگر بیماری نکل آئی تو اتنے پیسے نہیں ہے کہ اس کے, تو وہ بولتے ہیں تو ٹیسٹ ہی نہیں کراؤ, جیسا چل رہا ہے چلنے دو. اور کئی لوگ اس میں بیمار ہیں. آپ اگر رینڈملی اگر کسی کو چیک کرائیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ کس طرح سے, مگر لوگ ڈر کے مارے نہیں کراتے. ہوتا یہ کہ کچھ عرصے کے بعد اچانک وہ فیل ہو جاتا ہے, آٹو چلے جاتے ہیں وہ. بالکل ٹھیک ہے. تو کیا ماشاء اللہ جہاں اتنے اچھے اچھے لوگ کام کر رہے ہیں اور حکومت جو ہے ان کے بھی بیوی بچے ہیں, ان کو مد نظر رکھتے ہوئے سوچیں کہ یہ عوام کی جو ذمہ داری ہے یہ گورنمنٹ کی ہے, تو گورنمنٹ کو کم از کم صاف پانی ضرور دینا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے, یہ تو بنیادی ضرورت ہے اور اس کے اوپر سب سے پہلے کام کرنے کی ضرورت ہے. بہرحال جی روشن صاحب, اب باتیں تو بہت ساری ہیں, انشاءاللہ موقع ملے گا آپ زحمت دیتے رہیں گے اور ان معاملات پر گفتگو کرتے رہیں گے اس سیگمنٹ, کیونکہ ہمارا جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. اور جناب روشن وارسی صاحب یہاں تشریف فرمائیں, اور ابھی کچھ دیر پہلے جیسے گفتگو ہو رہی تھی وہ خاص طور پہ ریئل اسٹیٹ کے شعبے کے حوالے سے تھی کہ اس میں جو آپ سرمایہ کاری کریں گے وہ بہت محتاط ہو کے کرنے کی ضرورت ہے. یقیناً گنجائش تو موجود ہے, اور جب اس طرح کی سچویشن ہو کہ جہاں پر قیمتیں کم ہو تو خریداری کا مواقع اس میں بنتے ہیں. یقیناً اب بہت سارے لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ اشیاء ضروریہ ہی یہاں پر جو ہے وہ لوگوں کی دسترس سے دور ہو گئی ہیں, اس کو خریدنے کی بھی قابل اب نہیں ہے, تو یقیناً یہ بات کرنا اس وقت مناسب نہیں ہے. لیکن بہرحال پھر بھی کیونکہ معاملات کی طرف نشاندہی کرنی ضروری ہے تو اس کے بارے میں ضرور سوچیے. میں بڑا شکر گزار ہوں جناب سعید روشن علی وارسی صاحب کا کہ وہ اسٹوڈیوز میں تشریف لائے اور ہم سے انہوں نے گفتگو کی. وقت ہو رہا ہے ایک بریک کا, اور بریک کے بعد پھر ہمیں دوسرے سیگمنٹ کی طرف بڑھنا ہوگا. آپ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام گڈ مارننگ کراچی.